देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से तो हमें राहत मिलती है, खाना हजम होता है, लेकिन क्या आपने कभी इसको पीने के अलावा और किसी काम के लिए इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो बस आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सॉफ्ट ड्रिंक से अपने कई काम आसान बनाने के चंद तरीके। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं। बालों से च्युइंगम निकालना। अगर आपके बालों में गलती से च्युइंगम लग जाए तो आप क्या करेंगे? आखिर तक हार कर बाल ही काट देंगे, क्योंकि इसे बालों से निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब ये मुश्किल और नहीं, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक आपका ये काम आसानी से कर सकती है। अगर बालों के साथ कोई ऐसा हादसा हो कि च्युइंगम चिपक जाए, तो बस बालों को कुछ देर सॉफ्ट ड्रिंक में भिगो लें, फिर देखें कितनी आसानी से च्युइंगम निकलती है। बाथरूम की सफाई। बाथरूम की सफाई करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें जिद्दी खारेपन के पीले दाग और साबुन वगैरह के दाग होते हैं। साथ ही फ्लश भी साफ करना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से पीला हो जाता है। लेकिन ये काम भी सॉफ्ट ड्रिंक से करना हुआ अब आसान। बस सॉफ्ट ड्रिंक को बाथरूम में डालें, थोड़ा रगड़ें और बस दाग धब्बे और पीले निशानात मिनटों में गायब हो जाएंगे। मैरिनेटिंग। चिकन रोस्ट बनाना है और वक्त कम है, साथ ही आप इसे बहुत लजीज भी बनाना चाहते हैं, तो बस फिर मुर्गी को एक बाउल में डालें और सॉफ्ट ड्रिंक इसमें डालकर इसको मैरिनेट करें, फिर देखें आपका रोस्ट कितना मजेदार और लजीज बनता है। जले हुए बर्तन को साफ करें। अक्सर खाना बनाते वक्त बर्तन जल जाते हैं और इन पर जद्दी काले निशान आ जाते हैं। अगर आपको भी इस तरह के बर्तन साफ करना चाहते हैं, तो इन बर्तनों में सॉफ्ट ड्रिंक डालकर कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दें और फिर इसे डिश वॉशिंग स्क्रब से धो लें। जले हुए निशानात गायब हो जाएंगे और बर्तन हो जाएंगे एकदम नए जैसे। तो फिर आज ये टिप आजमाएं। जंग दूर करें। खाने के चम्मच हो या फिर नट बोल्ट और पाने, किसी भी किस्म के औजार पर से जंग दूर करने के लिए आप इनको सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर छोड़ दें कुछ घंटे, और फिर देखें कैसे सारा जंग उतर जाएगा और बन जाएंगे आपके औजार एकदम साफ और कारामद। तो बस इस किस्म के मुश्किल काम आप भी बनाएं सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल से आसान, और आज ही से इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।